हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। और किचन आप देख रहे हो, भी गंद मचा हुआ है। अभी बज रहे हैं रात के 12, 12 बजने में कुछ मिनट्स बाकी हैं। और ये वीडियो स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो हम उनके लिए सरप्राइज केक बनाया है घर पे, और जस्ट हम लोग अब लेके जाने वाले हैं अंदर। फिलहाल किचन पे ध्यान मत देना, बहुत गंद मचा हुआ है, मुझे अभी सफाई करनी है इसकी, तो वो बाद में करेंगे। और आस्था आ गई है, 12 कितना टाइम रह गया आपका? 1 मिनट। 1 मिनट रह गया है, ले चले कैंडल तो रेडी रुक कर ले। जाओ, मुझे क्यों बताओ। कैंडल हे भगवान, है ना इधर, ना स्टॉक रखा है। सब कुछ है हमारे घर में, बस टाइम पे मिल जाना चाहिए। कितनी, डब्बी वाली लगा देंगे, एक है तो एक ही लगा दे पापा माँ। नहीं एक दो लगा दें। तेरा हमारा केक जो बनाया है हमारी आस्था ने, और आस्था कैंडल्स लगा रही है इसके लगूं। ऊपर। बहुत बज गए, लगा दो हाँ, ऐसे बज गए हैं आस्था। ऐसे लगा दूं। लगा, कैंडल जला, माचिस कौन ले ले, गाना मैं गाऊंगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। ये सबके लिए गाता हूँ मैं। कट रहा है? हाँ। आप जाओ, तू जा, मैं नहीं हुआ मिलेगा, केक कटा है तो सबको मिलेगा। खाओ खाओ। हेलो, कैसे हैं सब लोग? तो आज हस्बैंड का बर्थडे है, रात को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, आप लोगों ने देख ही लिया है वो। तो ज्यादा कुछ नहीं है, मैं और आस्था थे, क्या करते। केक हम लोगों ने घर पे ही बनाया था, और बहुत ही टेस्टी केक बना था। और पहले एक्चुअली प्लान हुआ था होटल जाके सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन फिर सम रीजंस हम लोगों ने चेंज कर दिया प्लान। तो अब जो है डिनर घर पे ही होगा, और मेरी फैमिली है, मेरे देवर की फैमिली आएगी, एंड प्रेरणा और रोहन आएंगे। उसके मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके जो रोहन का ब्रदर है उसका पैर का थोड़ा सर्जरी हुआ है, तो उसकी वजह से, एंड उनका जो भी वो नहीं आ पाएंगे उस, तो उसको अकेले नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए रोहन और प्रेरणा आ रहे हैं। हमारा मन था कि सब आते, बट हो नहीं पाया, एंड मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से हम लोग बाहर जो है बाहर का कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनको आना जाना मुश्किल था, वो नहीं इतनी देर बैठ पाएंगे। तो फिर सोचा कि घर पे ही कर लेते हैं, क्योंकि घर पे वो कंफर्टेबल रहेंगे, और उनको दिक्कत होगी तो वो रूम में जाके आराम कर सकते हैं, तो इसलिए अब जो है घर पे हो रहा है। तो घर पे हो रहा है तो रात का डिनर है, और डिनर में मैं बना रही हूँ आज छोले, वाइट चने जो होते हैं, और साथ में मैं बनाऊंगी कोफ्ता करी एंड पुलाव राइस, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, और परांठे बना लूंगी, पूड़ी और ये सब नहीं बनाऊंगी, परांठे बना लूंगी, और बस यही यही है ना, हाँ यही है। हाँ, तो अगर देखती हूँ शायद रायता बनाऊं, दही एक्चुअली मैं मंगाना भूल गई, दो बार सामान आया, दही फिर भूल गई हूँ, तो साथ में थोड़ा रायता होगा, केक होगा, मीठे के लिए तो केक हो जाएगा, कूल ड्रिंक्स वगैरह आएंगी जो कि बच्चों के लिए, और मैंने जो स्नैक्स है वो मैं घर पे नहीं बना रही, क्योंकि इतना सब मैं नहीं बना पाऊंगी अकेले। तो और प्लानिंग भी सडनली हुआ है, अभी 1 बजे ही मैंने प्लान किया है कि मैं खाना घर पे बना लूँ, पहले प्री प्लानिंग होती तो स्नैक्स भी बना लेती, और इसलिए सिर्फ अभी लंच डिनर मैं घर पे बना रही हूँ, और जो स्नैक्स है वो मैंने रेडीमेड, जो इंस्टेंट रेडी टू ईट स्नैक्स होते हैं मकेन वगैरह के, वो मंगा लिए हैं और वही रखूंगी। तो बस सब्जी मैं अभी अपने रूम में ले आई हूँ बैठ के काटने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अभी दोपहर के टाइम में, तो मैं एसी में आराम से बैठ के सब्जियां सारी कटिंग वटिंग करने के बाद, फिर जब मैं कुकिंग करूंगी तब मैं जाऊंगी किचन में,
तो मैं सारा तामझाम जो है अपना यहाँ पे देखो ये रहा, सब कटिंग के लिए कटिंग बोर्ड वोर्ड सब मैं अपना रूम में ले आई हूँ। आराम से यहीं पे बैठ के मैं अब कटिंग करने वाली हूँ एसी में, और क्योंकि हॉल में एसी अगर मैं लगा भी लूंगी तो किचन नहीं ठंडी होती, किचन को ठंडा होने तक बहुत टाइम लग जाएगा। तो हॉल का एसी मैं चलाऊंगी शाम को जब सब आने वाले होंगे, तो फिर फायदा नहीं है ना, हॉल में एसी लगा दो किचन ठंडा करने के लिए, और किचन में ठंडा होगा नहीं, तो इसलिए फिर हम यहाँ बैठ के आराम से जो करेंगे काम। और मैं आपको शुगर से मिलाती हूँ, देखो कैसे सो रही है, मजे ले रही है, मजे की जिंदगी तो इनकी है। ये देखो ये क्या मजे है लाइफ के, देखो एक हम हैं और एक ही शुगर है शुगर, देख क्या मस्त सो रही है, गहरी नींद, आके भी देखो 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 इसको खोतू को कैसे छोर है, कैसे छोर है ये खोतू है। और सिम्बा, सिम्बा यहाँ सो रहा है, ये देखो ये है सिम्बा, इसका तो यही फेवरेट प्लेस है, ये यही सोता है। तो चलिए ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं कटिंग की, और कुछ सामान है देख लो एक बार, फिर सारा लाके बैठ जाऊंगी और आराम से काटती रहूंगी सब्जियां। तो चलिए एक बार मैं सारी सब्जियां काट लेती हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो कटिंग हो गई है मेरी, और ये रहा सारा सामान यहाँ पे, ये फिर ये जो है छोले के लिए आलू कोफ्ता बनाने के लिए है, तो ये सब कटिंग कर लिया। यहाँ पे प्याज जो है मैंने पुलाव के लिए काट लिए है, और अब मैं कोफ्ते की ग्रेवी पहले रेडी करने लगी हूँ। तो तेल मैंने डाल दिया इसमें, सारे खड़े मसाले डालूंगी, और मैं आपको रेसिपी पूरी प्रॉपर बता नहीं पाऊंगी क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाएगा और मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो मैं लाइक खाना बना रही हूँ बस। तो क्योंकि मैं फिर अगर एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी ना तो टाइम बहुत लग जाएगा और लेट हो जाएगा मुझे खाना बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मसाला मेरा भुन रहा है अभी, मेन जो है इसकी ग्रेवी ही है, एक बार ग्रेवी बन गई तो फिर बाकी क्या जो प्रोसीजर है वो करूंगी। आलू आ गए हैं, पनीर आलू बॉयल हो गए हैं, और पनीर मैंने मंगवा लिया था, मेरा फ्रिज फिर से प्रॉब्लम देने लगा है, ठंडा नहीं हो रहा, आई डोंट नो इसको क्या हो रहा है, बार बार दिक्कत हो रही है, फिर से ये पानी यहाँ पे लीक होना शुरू हो गया। तो ये है आईडी का पनीर, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, और ये जो मैंने आलू उबाल के रखे हैं यहाँ पे ये रे, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हैं, बट बना लेते हैं, बच गई तो बच गई हवा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी गैस जो है वो प्रॉब्लम दे रही है, क्योंकि हवा चलने से क्या होता है कि फिर गैस बंद होने लगती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया आलू, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, पनीर आप देख रहे हो कितना सॉफ्ट है पनीर और एकदम फ्रेश है, तो इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूंगी मैं। तो ये हमारे आलू है, इसमें डालूंगी मैं पनीर। इसमें डालूंगी मैं रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, और
नमक, नमक थोड़ा कम ही रहेगा कोफ्ते के हिसाब से क्योंकि सब्जी में भी डलेगा तो। और ये है जिंजर गार्लिक, गार्लिक और हरी मिर्च का बारीक पेस्ट। और इसमें डलेगा कॉर्नफ्लोर, अंदाजे से डाल रही हूं मैं तो अपने, एक बड़ा, दो तीन बड़े चम्मच, ताकि ये बस चिपके रहे अच्छे से। और मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स, ये घर पे बने हुए ब्रेड क्रम्स है मेरे। थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ और अभी सारा जो है मिक्स कर लेंगे। धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, और मैं इसमें डालूंगी नमक। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ग्रेवी रेडी होती है, हम लोग छोले के लिए जो मसाला काट के रखा है, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन सब, वो मिक्सी में पीस लेते हैं। ये सब रेडी हो गया है और जो सब्जियां थी वो मैंने सफल की जो रेडी टू यूज होती हैं वो मंगा ली थी। एक्चुअली मैंने मटर मंगाए थे बट बाय मिस्टेक मिक्स वेज आ गई है मेरी। तो अब जब ये आई गई हैं तो यही पुलाव में डाल देंगे। तो वो फ्रिज वही है कि ठंडा नहीं हो रहा तो ये बिल्कुल नरम पड़ी हुई है सब्जियाँ, तो मैं पानी में निकाल के रख देती हूँ इनको। फ्रिज गर्मियों में खराब होना मतलब बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अच्छी चीज है, मैंने वैसे कभी पहले मंगाई नहीं है फ्रोजन वेजिटेबल्स, मैं सिर्फ मटर मंगाती हूँ बट इसमें गोभी, मटर, बीन्स और कैरेट चारों चीजें हैं। तो अब मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में क्योंकि पुलाव मुझे अभी बनाना नहीं, अभी बहुत टाइम है। तो फ्रीजर की जगह फ्रिज में रख देते हैं और ये टमाटर प्याज का पेस्ट जो है इसको भी ढक देती हूँ, प्याज भी ढक देती हूँ। तो अब मैं जो है छोले बॉईल करने रख दूंगी जब तक अपना ये तड़का ठंडा होगा, छोले उबाल लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मेड आई है तो किचन साफ कर दे, अभी मेरा मेजर वर्क तो हो गया है और मुझे छोले जो है उसको तड़का करना है और पुलाव बनाना है। तो फिलहाल टाइम हुआ है 5:30,
और मैंने सबको आने का जो इनवाइट है वो दिया है मैंने 7:30-8 o'clock का, क्योंकि डिनर है। तो एक बार यहाँ से थोड़ी सफाई हो गई। मैंने थोड़े से काजू रखे हैं, या तो पुलाव में डालूंगी, और इसको सब्जी में भी अच्छे लगेंगे, साबुत बीच में आएंगे। तो देखती हूँ किस में डालती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ, हाथ से निकाल लूँ पता लगे फ्रिज में ही रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, कई चीजें हम लोग काम कर रही है वो, तो कई चीजें ऐसी होती हैं हम लोग रखते हैं कि डालेंगे, और उसके बाद क्या होता है कि जब बनाने का टाइम आता है ना तो भूल जाते हैं, फिर याद आता है वो ये तो रह ही गया तो गर्मी आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, टू मच। टॉवल मैं रखती हूँ किचन में हमेशा, जो हमेशा फेस साथ के साथ पहुंचते रहो, लेकिन वो धोने के लिए रख दिया तो टॉवल नहीं था। तो चलिए ठीक है, एक बार मैं छोले रख देती हूँ बॉयल होने के लिए। तो जो मेड है मेरी काम करके चली गई है, और मैं लगाने लगी हूँ हॉल का एसी। रूम का मैंने कर दिया है बंद, ताकि अब मैं कर सकूँ किचन में काम। झाड़ू कितना गंदा मार के गई है, क्या बोले इनको। तो चलिए ठीक है, मैं छोले तो रखे हुए हैं, और साथ के साथ कोफ्ते बनाने शुरू करती हूँ, क्योंकि तलने में भी समय लग जाएगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि गैस पे बनाऊँ या इंडक्शन पे बनाऊँ इंडक्शन मैंने एक्चुअली ऊपर रख दिया है, ऊपर चढ़ के उतारना पड़ेगा, छोड़ो गैस पे ही बना लेते हैं। तो कोफ्ते मैंने बनने डाल दिए हैं, थोड़े बन गए हैं, थोड़े बन रहे हैं, और कुछ कुछ टूट भी रहे हैं तो ये मेरा मसाला थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैं इसको पीस लूँगी, और छोले बॉयल हो गए हैं, बस तड़का करना है। तो एक साइड मैं अब सोच रही हूँ तड़का रख दूँ बनने, और एक तरफ जो है मैं ये पहले पीस के इसकी ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ, फिर छोले भी साथ साथ रख दूँगी।
मेरी रेडी है और अच्छे से पिस गया सारा मसाला। बस अब कोफ्ते बन जाए फिर सब्जी बन जाएगी। और ये जो है यहाँ कोफ्ते बन रहे हैं, ये कुछ थोड़े टूट भी गए हैं, मतलब बनाने के बाद तो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं एकदम। ये आप देख रहे हो बिल्कुल किचक रहे हैं। ओके क्या कर रही है शुगर? तो यहाँ रख दूंगी मैं अपना छोले के लिए तड़का। एक बार कढ़ाई गर्म हो फिर उसमें डालेंगे ऑयल और छोले का मसाला। कोफ्ते में ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं, अब थोड़े पक जाए उसके बाद ही हिलाऊंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी से बन रहे हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल लास्ट में डालूंगी सब्जी में, क्योंकि पहले डाल दूंगी तो गल जाएंगे। तो सब छोले का तड़का करके उसके बाद पुलाव रह गया है। सोच रही हूँ मैं थोड़ा देर से ही बनाऊं, बाकी देखती हूँ सिचुएशन के हिसाब से। तो फिर टाइम क्या हुआ है, 6:30 तो हो ही गए हैं। गैस गर्म हो गई तो हम तड़का करना शुरू कर देते हैं। रिफाइंड मैंने बहुत कम डाला है क्योंकि इसमें घी भी डलेगा, तो बहुत ज़्यादा घी और ऑयल मिक्स होके ऑयली सा ना हो जाए, इसलिए इसमें डालूंगी मैं 2-3 तेज पत्ते, दालचीनी, जीरा, तो जब तक मेरा छोले का जो ग्रेवी है वो रेडी होती है, हम लोग इसमें डालने के लिए मसाला रेडी कर लेंगे। तो अमचूर भी डलता है बट अमचूर फिलहाल मेरा ख़त्म है सैडली। तो एक बार पहले मैं सारी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेती हूँ क्या क्या डालना है। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब गरम मसाला, ये मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर पाउडर, तो सौंठ, एक ही चम्मच के करीब बड़ा, और अब इसमें डालूंगी 2 बड़े चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर ज्यादा डलेगा। इसमें डलेगी हल्दी, लाल मिर्च, तो अब इसमें हमने डाल दिए हींग और ये सारा मिक्स कर लेंगे मसाला। पुलाव बनाना है बस मुझे, इसकी चने की स्टीम निकल जाए। अभी 7:45 हो रहे हैं तो और क्या करना है मैं ये सोच रही हूँ। चलिए ठीक है, 10 मिनट ब्रेक लेके फिर मैं शुरू करती हूँ, जब तक ये छोले के जो ग्रेवी है ये हो जाए, स्टीम निकल जाए एक बार चने की। वही समझ में नहीं आ रहा अभी तक पकी है कि नहीं पकी। तो
जो ग्रेवी जो चने का मैंने मसाला रेडी किया है, जब चने का स्टीम निकल जाएगा हम उसमें डाल के पकाएंगे, फिर उसके ऊपर से जो है सूखा मसाला जो मैंने रेडी किया वो डाल के उस पर से घी डाल के फिर उसको बंद कर देंगे, तो उसका जो अरोमा है वो अंदर ही रहेगा और एकदम बनेंगे दिल्ली वाले छोले। तो ये है सीक्रेट रेसिपी। सीक्रेट क्या है इसमें, खैर तो बहुत बार बना चुकी हूँ मैं और आप लोग के साथ शेयर भी बहुत बार कर चुकी हूँ मैं। तो चावल रखने हैं और जैसे की वेट हो रही है, एक बार ये स्टीम निकल जाए, आई थिंक स्टीम भी निकल गई है और इसका मसाला भी पक चुका है। एक बार जरा मैं कुकर खोल कर देखूं, मैं आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ, अगर कभी भी जो आपका चने होते हैं जैसे आपको थिक ग्रेवी रखनी है या चने कम है तो आप उसमें चने की अगर आपको चने की ग्रेवी थिक रखनी है तो उसमें आप ना चने की दाल मिक्स कर दो थोड़ी, तो जो दाल होती है वो गल जाती है बिल्कुल और आपको चने जो होते हैं उनको मैश करने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। तो ग्रेवी को थिक करने के लिए हमें चने जो है उसको मैश नहीं करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए मैं चेक कर लेती हूँ कि छोले पके भी है कि नहीं, मतलब गले भी है कि नहीं। तो बीच बीच में बात करते करते ना मेरी वॉल्यूम कम हो जाती है, परफेक्टली गल रहे हैं। और दिखा दूं मैं आपको, इसमें मैंने दाल भी डाल दी थी, ये अच्छे गल भी चुके हैं, दाल दिख रही है आपको, इसको हम थोड़ा सा मैश करेंगे अच्छे से, तो मिक्स करेंगे और एक दो सीटी देनी पड़ेगी मुझे इसको लग रहा है हल्का सा। और ये मैंने चाय पत्ती और गरम मसाले की पोटली डाली थी, जो फ्लेवर सिर्फ इसमें चाहिए हमें। तो एक बार ये मसाला रेडी हो गया है और थोड़ा सा ऑयल छोड़ने के बाद इसको, मसाला हमारा ये रेडी है, ऑयल जब थोड़ा और अच्छे से छोड़ देगा तो इसको हम मिक्स कर देंगे चने में। तो चने का जो मैंने एक्स्ट्रा वाटर यहाँ रखा था इन केस अगर ज्यादा ड्राई हो जाते तो हमें वही यूज कर सकते थे इसमें, बट अभी उसकी जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत पतले हैं, पानी ज्यादा ही है। मसाला भून चुका है और हम इसको कर देंगे इसमें मिक्स। तो आप देखिए मैंने इसमें जो मेरा मसाला है लाइक तड़का जो है रेडी मिक्स कर दिया है और इसका कलर आप देख रहे हैं, और मैंने इसमें से पोटली अभी निकाली नहीं है, इसके अंदर ही अभी भी। तो अभी इसमें मैंने सूखे मसाले सब मिक्स करने हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी हम इसको और पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है जिसमें मैं बनाऊंगी ग्रेवी कोफ्ते की, और बस ये दोनों चीजें मेरी रेडी हो जाएंगी, फिर किचन साफ करेंगे।
तो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था। मेरे को पता ही नहीं लगा कब स्विच ऑफ हो गया, और डाउट था चार्जिंग कम है, बट जब मैंने स्टार्ट किया तो 70% थी। और जब कर रही, अब पता नहीं, अब मैं वीडियो भी नहीं, अभी मैंने देखा भी नहीं कि कहाँ जाके मेरी वीडियो रुक गई। तो मेरा पुलाव बन गया है और छोले मेरे रेडी हो गए हैं, कोफ्ता करी रेडी हो गई है, बस मुझे अब आटा गूंदना है और परांठे या फिर पूड़ी जो भी रेडी करूंगी उसके लिए। तो प्रेरणा भी आ गई है और फ्रेश हो रही है प्रेरणा, मम्मी जी रेडी हो रहे हैं, आस्था हमारी रेडी है ऑलमोस्ट। तो बस केक अभी आएगा, ऑर्डर कर दिए केक भी, और बस मैं थोड़ा ब्रेक लेके फिर मैं रेडी होती हूँ। पुलाव बन रहा है, मतलब तो तड़का वड़का सब हो गया, तो वही मुझे पता ही नहीं लगा वीडियो कब बंद हो गया। एनीवेज बस अभी बन जाए वो भी, फिर मैं रेडी हो जाती हूँ। तो टाइम 7:30 हो चुके हैं, टाइम का पता नहीं लगा, वही वीडियो बनाते बनाते एक्चुअली ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं ऐसे काम करती तो मेरा और जल्दी हो जाता। तो ये रहा मेरा पुलाव, ऑलमोस्ट रेडी है। मैं पूरी तरह स्लो कर दूंगी गैस। नहीं, आटा और भी है डब्बे में। पुलाव रेडी है, यहाँ पे हमारी कोफ्ते की ग्रेवी रेडी है, यहाँ पे हमारे छोले रेडी हैं, और ये रहे मेरे कोफ्ते, और प्रेरणा भी आ गई है। हाय गाइस। तो प्रेरणा आटा गूंदने लगी है, बोली आप रेडी हो जाओ। जब तक प्रेरणा आटा गूंदती है चावल भी बन जाएंगे, और मैं आ गई अपने कमरे में। अभी क्या पहनना है कुछ डिसाइड नहीं किया मैंने। एसी लगाते हैं सबसे पहले, तो एसी बिना तो अभी जिंदगी नहीं है। तो मैं ले रही हूँ 5 मिनट की ब्रेक, और फिर तब तक डिसाइड करूंगी कि मुझे पहनना क्या है। मेरा तो मन नहीं था वैसे चेंज करने का, बट सब अब रेडी हो रहे तो मैं भी कर ही लूंगी। तो चलिए ठीक है, जस्ट 5 मिनट की ब्रेक लेके रेडी हो गए, आपसे बात करती हूँ। तो मैं रेडी हूँ और बाकी सब भी रेडी हैं, और मेरी देवरानी लोग आ गए हैं। तो मैं रेडी नहीं थी तो बोली आप भाभी रेडी हो जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ही तो हैं। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था एक्चुअली तैयार होने का, कि फोटो वोटो खींचते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता। गर्मी इतनी ज्यादा है और लाइक मन ही नहीं हो रहा अंदर से ही तैयार होने का। तो चलिए ठीक है, बस हस्बैंड का वेट कर रहे हैं, वो आए, और केक भी आ गया है, बाकी सब भी तैयार है। आयुष को लड़कियों ने देखना है। नहीं नहीं, कोई लड़की पूछ लेगी लड़का कौन था स्मार्ट सा। नहीं, अब कोई चांस नहीं। ये बर्थडे बॉय हमारे। बर्थडे गिफ्ट मिला है जमाई राजा की तरफ से। रिएक्शन वीडियो पापा शौक है। तो पापा इसी पे Actually, गाने I don't सुनेंगे। like. You don't like birthday gifts. Yes. सेटअप हो रहा है सारा। ये वहीं लगेगा, वहाँ वो भी है।
चाचू भी आ गए। सिम्बा सिम्बा को पकड़ लो। वेलकम वेलकम वेलकम। एक वीडियोग्राफर ना कैमरा देता है हेलो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। तो रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, पूरी किचन विचन सब क्लीन करके सोई हूँ, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 बज गए थे मुझे ये सब करते करते। और प्रेरणा लोग एक प्रेरणा ही यहाँ से आई थिंक 2 बजे सवा 1:45 ऐसे निकली है और खाना वाना खा के, तो हमने तो बोला था रुक जाओ यहीं पे, बट बोली नहीं मम्मी जाना है, रोहन का सुबह सुबह मीटिंग वगैरह है तो हमें जाना पड़ेगा।
तुमने कहा ठीक है, फिर फोर्स नहीं किया ज्यादा। मेन ये था कि लेट हो गया तो क्यों जाना, आराम यही करो, बट फिर बोले नहीं हमें जाना पड़ेगा। तो बस सब काम निपटाए, फिर उसके भेजने के बाद मैंने सारी साफ सफाई की और फिर मैं सोई हूँ। और बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, तो बैक पेन शुरू हो गया था मेरा कंटिन्यूसली खड़े खड़े। 4 बजे से जो मैं काम लगी हूँ और रात के 2-3, 2-2.5 बजे तक मैं करती रही हूँ नॉन स्टॉप। और अभी उठी हूँ, कॉफ़ी बनाने लगी हूँ। रात को सब अच्छा रहा, पार्टी अच्छी रही, बट सडनली मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सा फिर उनको हमने बोला आप अंदर आराम करो। तो आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, लेकिन उनकी जो तबीयत है लाइक वो थोड़ा सीरियस है, उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, 1.5-2 साल हो गए हैं। काफ़ी ठीक हो गई थी, कीमोज हो रहे थे, सब ठीक हो गया, सब नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी फिर से जो है उसका जो लाइक कैंसर का जो होता है बढ़ता रहता है बोलते हैं, तो अभी वो ब्रेन में आ गया है थोड़ा उनके, एंड फिर से उसके सिम्टम्स जो है वापस नज़र आ रहे हैं। तो उस वजह से उनकी दोबारा से कीमो और थेरेपीज वगैरह शुरू हुई हैं, जिस वजह से उनकी हालत फिर से ख़राब होने लग गई है। तो जब भी कीमो होता है तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो अदरवाइज उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। अगर हमारे जैसे कोई होता शायद झेल भी नहीं पाता ये सब कुछ, बट वो फिर भी बहुत स्ट्रांगली झेल रही हैं। एज फैक्टर भी है, 70 ईयर्स के हो गए हैं वो, तो उस वजह से लाइक बॉडी जो है बॉडी में भी उतना ताकत नहीं रहती है। तो एनीवेज बस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लाइक होता है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी ऐसी चीज़ें बताना, आप लोगों को परेशान करना, हर किसी को कुछ ना कुछ लाइक पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसे मानता नहीं है कि कोई भी दुख वाली चीज़ें बताऊं। तो अब सिचुएशन जो है ज़्यादा उनकी थोड़ी सी है, तो बट बताना पड़ा, बताना तो था ही कभी ना कभी। तो एनीवेज सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, वो भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक हो जाएंगे। तो ट्रीटमेंट्स वगैरह सब चल रही हैं, सब हो रहा है, और दैट्स इट। अभी कॉफ़ी बनाऊंगी, अभी नया दिन फिर से शुरू करूंगी। तो चलिए ठीक है, ये वाला व्लॉग जो है इसको यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। तो रात को मैं एंड नहीं कर पाई बस इसीलिए अभी मैं सुबह सुबह एंड कर रही हूँ वीडियो को, और फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। बाय, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, एटलीस्ट लाइक किया करो और कमेंट किया करो, ठीक है ना। चलिए बाय, टेक केयर।